हाय, मैं हूँ अखिल, एक यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर और वेब डेवलपर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइवर पर एक नया अपडेट आया है, जिसमें टैक्स के लिए इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या है यह न्यू अपडेट और इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फाइवर के अकाउंट पर, और यहाँ देखिए मैंने एक सर्विस या गिग की है, आप कह सकते हैं इसे फाइवर पर गिग ही कहा जाता है, ये मैंने अपलोड किया है। लेकिन अपडेट आने के बाद अगर आप न्यू गिग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना GST नंबर या फिर टैक्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी फुलफिल करने होंगे, उसके बाद यह आपका अप्रूव होगा या अपडेट होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये कैसे अपडेट शो कर रहा है। तो ये देखिए मैंने एक गिग्स क्रिएट किया था और इसी में ये प्रॉब्लम हमें देखने को आया है, तो हम इसे एडिट कर लेते हैं और यहीं पे हम देखेंगे ये कैसे शो करता है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ फिल कर दिया है, डायरेक्ट इसे सेव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ज़्यादा सभी चीज़ फिल करके नहीं देखूँगा क्योंकि मेरा टोटली सभी चीज़ पूरा फिल किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, ये सभी चीज़ बताया गया है और ये हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी पुट कर दिया है। उसके बाद इसे भी सेव कंटिन्यू कर देते हैं और फिर ये देखिए जो रिक्वायरमेंट बायर से पूछा जाता है वो भी रिक्वायरमेंट मैंने फुल कर एड कर दिया है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सेव हो गया है सर्विस गिग। उसके बाद गैलरी में हम इमेज भी डाल चुके हैं, इसे भी हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ देख सकते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इंडियन टैक्स पर्पस, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देना है टैक्स के लिए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू कंप्लाई विथ इंडियन GST टैक्स रेगुलेशन इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे बोला जा रहा है GST नंबर या किसी भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ डालना होगा और ये अनिवार्य है, मतलब आपको डालना ही होगा, अगर नहीं डालते हैं तो इससे आगे आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ अपना नाम डालना है जो रियल नेम है, तो आप यहां से, मैं डेमो के लिए कुछ डाल देता हूं, मैं यहां पे अखिल राज डाल देता हूं। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो यहां हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया, और फिर यहां पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बिहार हो गया। और यहां आर यू सिटीजन और रेसिडेंस इन इंडिया, ये भी माइनॉरिटी है तो इसे हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू GST फॉर इंडियन, आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडियन GST, तो ये माइनॉरिटी है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो ये नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने नो किया तो आपको ये पैन नंबर शो होगा, अगर यस करते हैं तो GST का नंबर यहाँ से मांगा जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल पे क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना अगर GST नंबर नहीं है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, और उसके बाद हम सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे ये दोनों मेरा रॉन्ग है तो ये गलत हो जाएगा और ये सेव नहीं होगा, तो इससे आगे हम सेव कर ही नहीं सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए सेव करने के बाद यहाँ पब्लिश गिग का ऑप्शन आ रहा है जो अभी डिसेबल्ड है बटन, तो जब तक ये हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा आगे का गिग पब्लिश ही नहीं होगा। तो ये एक न्यू अपडेट आ गया है फाइबर में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है न्यू यूजर्स को, और मैं भी इसे फिल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है और मैं इसे फिल करना भी नहीं चाहता। तो ये एक अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। न्यू यूजर्स को अब काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा फाइबर पे न्यू
गिग्स बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।